रविशंकर प्रसाद को पटना साहिब से टिकट। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, गिरिराज सिंह बेगूसराय से, गिरिराज सिंह को बेगूसराय से टिकट मिल सकता है। आरके सिंह फिर से आरा से किस्मत आजमाएंगे। छपरा से राजीव प्रताप रूड़ी को टिकट मिल सकता है। पश्चिमी चंपारण से संजय जायसवाल, जी हां देखिए ये बड़े नाम जिन्हें टिकट मिल सकता है, सूत्रों के हवाले से खबर। लोकसभा चुनाव की देखिए ये बड़ी खबर, जहां रविशंकर प्रसाद को पटना साहिब से टिकट मिल सकता है, गिरिराज सिंह बेगूसराय से, आरके सिंह को आरा से टिकट मिल सकता है, और ये उम्मीद यही जताई जा रही है कि इनको इधर से टिकट मिलेगी, सूत्रों के हवाले से ये खबर। छपरा से राजीव प्रताप रूड़ी, पश्चिमी चंपारण से संजय जायसवाल, सूत्रों के हवाले से खबर। बड़े दिग्गज देखिए ये नाम सामने, रविशंकर प्रसाद को पटना साहिब से टिकट मिल सकता है, वहीं गिरिराज सिंह को बेगूसराय से टिकट। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अवैध हमारे साथ। अवैध देखिए जिस तरह से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, शत्रुघ्न सिन्हा जो पटना साहिब से नाम हुआ करता था वो कट गया है अब, और रविशंकर प्रसाद जगह लेंगे, कई बड़े नामों पर भरोसा जताया जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से कल सीसी की बैठक हुई, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद 8 घंटे तक बैठक हुई और मंथन। बिहार की अगर बात करें तो कई नामों, चौंकाने वालों नामों का खुलासा हो रहा है, जैसे रविशंकर प्रसाद जो है वो पटना साहिब से लड़ सकते हैं। पहले ये सीट जो थी शत्रुघ्न सिन्हा के पास थी लगातार, मगर जिस तरह से लगातार उनका बागी रुख रहा है और बीजेपी विरोधी नेताओं की रैलियों में वो गए हैं और सरकार के खिलाफ उंगली उठाई, उसको देखते हुए ऐसा सूत्रों ने हमें बताया है कि रविशंकर प्रसाद का टिकट जो है वो पटना साहिब से कंफर्म हो गया और वो पटना साहिब से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा गिरिराज सिंह जो है वो बेगूसराय से लड़ेंगे, इससे पहले वो नवादा से चुनाव लड़ते रहे हैं। इसके अलावा आरके सिंह जो है वो आरा से इस बार अपनी किस्मत आजमाएंगे, इससे पहले भी उन्होंने आरा से ही सिटिंग एमपी हैं आरके सिंह। इसके अलावा बिहार के अगर एक और बड़े नेता की बात करें और केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, वो पूर्वी चंपारण से टिकट मिला है उनको और वो वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल अभी इन सभी नामों को हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, बीजेपी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल लिस्ट जारी नहीं है, मगर जो हमारे पुख्ता सूत्र हैं उनका ये कहना है कि रविशंकर प्रसाद जो हैं वो पटना साहिब से चुनाव लड़ सकते हैं। और जिस तरह से लगातार बागी तेवर शत्रुघ्न सिन्हा उठा रहे थे, उसका खामियाजा उनको भुगतने को अब मिल सकता है। बिल्कुल, और अवैध देखिए जिस तरह से नामों के नाम सामने आए, उसे ये तय है कि बीजेपी में भी काफी उलटफेर देखने को मिलेगा आने वाले समय में भी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बीजेपी में कई नेता खुद ही बागी तेवर अपना रहे थे, उसके बाद लगातार विपक्ष पार्टी की रैलियों में जा रहे थे और बीजेपी सरकार के ऊपर उंगलियां उठा रहे थे, उनको लेके बीजेपी पहले से सचेत है और ऐसे नेताओं को तो बीजेपी में अब जगह नहीं रहेगी, मुझे नहीं लगता कि वो टिकट मिलेगा। और उसी का नतीजा है कि रविशंकर प्रसाद को जो टिकट है वो पटना साहिब से दिया जा रहा है। इसके अलावा बीजेपी एंटी इनकमबेंसी को भी लेकर भी बहुत ही सचेत है और कई बड़े नेताओं का जो सिटिंग एमपी है उनका टिकट कटने की बात जो है वो सामने आ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि 10 से 20 एमपी के जो टिकट है वो भी कट सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ये नहीं चाहती कि जिनका क्षेत्र में काम नहीं अच्छा रहा है या जिनका जिनसे जनता क्षेत्र की जनता खुश नहीं है उनको टिकट देने के मूड में बिल्कुल बीजेपी नजर आएगी। और बहुत ही सभी हुई राजनीति जो है वो बीजेपी की तरफ से की जा रही है। कमोवेश स्थिति भी तो काफी अलग है, बात 2014 की करें मोदी लहर थी और इस बार हर एक सीट पर काफी सोच समझकर, क्योंकि सामने भी कंपटीशन उतना ही तगड़ा है। जी बिल्कुल, अगर पिछली बार की बात करें 2014 की, तो जिस तरह से प्रधानमंत्री की लहर थी, पीएम मोदी के नाम पे लोग एक तरफा वोट चला गया था, और इस बार क्योंकि 5 साल का काम दिखाना है, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की और मोदी सरकार की तरफ से लगातार ही कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है, गरीबों के उत्थान को लेके, किसानों के लेके, रोजगार को लेके, हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया, और उसका ही एक वो है कि चाह रहे हैं कि जिस तरह से भी कोई भी कैंडिडेट हो, जो मजबूत कैंडिडेट हो, उसको ही क्षेत्र में उतारा जाए, अगर उसमें जनता जरा सा भी नाखुश है या जनता में उसका परफॉर्मेंस सही नहीं है तो हो सकता है कि उसका टिकट कट सकता है। मगर इस बार देखिए, पिछली बार पीएम मोदी के नाम पे टिकट मिला था और चाय वाले के नाम पे, और इसी के साथ ही कल पीएम मोदी ने एक नई कैंपेन शुरू कर दी, मैं भी चौकीदार। लगातार विपक्ष चौकीदार को लेके, चौकीदार वर्ड को लेके पीएम मोदी के ऊपर हमला कर रहा था और राहुल गांधी अपनी रैली में नारा तक लगवा रहे थे कि चौकीदार तो और है, उसकी ही अपोजिट उल्टा वार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कल एक कैंपेन शुरू की जिसको नाम दिया कि मैं भी चौकीदार, और ट्विटर पे बकायदा लोगों को उसका रिप्लाई भी आ रहा है, जो उस कैंपेन का हिस्सा बन रहे हैं बकायदा नाम लिखा हुआ आ रहा है कि और उनको कांग्रेस क्या जा रहा है। जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है और जिन नामों पर भरोसा जताया देखिए वो भी सामने है, मतलब साफ है इस बार बीजेपी भी बिल्कुल सदी हुई राजनीति कर रही है और एक एक जो उम्मीदवारों के नाम है वो बहुत सोच समझ कर फाइनल किए जा रहे हैं। इसी बीच कौशाम्बी से बड़ी खबर, कौशाम्बी